Sir Muhammad Rana M.Ehsan. I'm English, I'm a Urdu and BA from university. We've been last 25 years say Shabbat Alayhi Sima Babasan. Or as say online lectures ka aas kar raha hun class 9th ka lecture first chapter se. Bismillahirrahmanirrahim. स्टूडेंट्स क्लास 9 में इंग्लिश के पेपर में सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा था ऑब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 इसमें फोर पार्ट्स होते हैं ए बी सी और डी ऑब्जेक्टिव पार्ट हमारा 19 मार्क्स का है जबकि जो बाकी पेपर है वो 56 मार्क्स का है इस तरह टोटल हमारा जो इंग्लिश का पेपर है वो 75 मार्क्स का बनता है क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ स्पेलिंग फॉर एग्जांपल आपके पास चार ऑप्शंस आएंगी पोएम की स्पेलिंग है पोएम ए बी सी डी अब इसमें जो पोएम के करेक्ट स्पेलिंग है वो है पी ओ ई एम इसको हमने सर्कल कर दिया इसकी फिलिंग कर दी विद मार्कर ये करेक्ट हो गया नंबर 2 है वर्ज वी ई आर जी ई वर्ज यहां पे आएगा ए पे ये सारे ठीक हैं जबकि बाकी तीनों स्पेलिंग रॉन्ग हैं ये क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में से आएगा जो क्वेश्चन आंसर आप याद करेंगे या ट्रांसलेशन रीडिंग करते हैं या इसमें रीडिंग नोट्स हैं उसमें उन्होंने वर्ड्स लिए हुए हैं उसके स्पेलिंग याद करने से ही पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है बी ऑप्शन चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये इंग्लिश बी का क्वेश्चन है ये हमें मिलता है पीडीपी ग्रामर जो मैं अभी पहले लेक्चर में आपको दिखा चुका हूँ उसमें से पेज 164 इसकी कुल 6 एक्सरसाइज है 1 2 3 4 5 6 ये 6 एक्सरसाइज में किसी में 10 सेंटेंसेस हैं किसी में 15 है मोस्टली इतने टेस्ट जो जो है टोटल 80 सेंटेंसेस ये जुमले बनते हैं उसी में से स्कीम के मुताबिक ये पेपर में आपको एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास एग्जांपल थी शी लव हर कैट वेरी मच वो अपनी बिल्ली से बहुत प्यार करती है लव लविंग लव या लव लव्स इसमें इसको हमने जो हमने सर्कल कर दिया नेक्स्ट इसी तरह आगे भी होंगे 2 3 4 नेक्स्ट वाले सी वाला पार्ट सी ऑप्शन चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स ये वाला क्वेश्चन हमें आएगा जो हमारी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज है इंग्लिश ए के पेपर की चैप्टर वाइज एक्सरसाइज है उसी में से एग्जांपल और दी गई सेंटेंस में से ही आएगा पहला सेंटेंस है इशफाक अहमद इशफाक वाज अ डैश राइटर इशफाक अहमद इशफाक वाज अ फेमस राइटर वो एक मशहूर मुसन्निफ है ये इसकी क्वेश्चन है नंबर 2 में द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप इसमें उसने पूछा ये गियर्ड अप का टेंस केनियम अंडरलाइन किया है इसका मीनिंग था तैयार होना साइलेंट खामोश रेडी तैयार इसका जो इसका सॉल्यूशन है वो है रेडी ये भी टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है उन्हीं में से ये क्वेश्चन आपको आएगा लास्ट है हमारा डी पार्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये ग्रामर के मुताबिक जिसको सॉल्व करना होगा और ये भी जो है कुछ इसमें पार्ट्स ऑफ से पेज है कुछ टेंसेस इसमें आ जाएंगे ज्यादातर इसमें जो है आपकी इंग्लिश ए की बुक टेक्स्ट बुक है उसी की एक्सरसाइज तैयार करने से एक क्वेश्चन भी आपके दोनों आपके सॉल्व हो जाएंगे इसमें स्पेशली रिव्यू एक्सरसाइज दी गई है जो 4 चैप्टर के बाद 4 चैप्टर को मिला के रिव्यू एक्सरसाइज बनाई गई है वो 3 बनती है क्योंकि टोटल चैप्टर्स हमारे 12 है हर 4 एक्सरसाइज के बाद रिव्यू एक्सरसाइज मिलेगी उसमें आपको इनका सारे का सारा जो है डाटा मिल जाएगा वही प्रिपेयर करें आपका क्वेश्चन ये आपका रेडी हो जाएगा ये लास्ट में ग्रामेटिकली कहता है वेयर इज एन आ और एन डैश नाउन वेयर कौन सा नाउन है मटेरियल काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट या कंक्रीट ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन नंबर 2 साकिब इज लिविंग डैश फ्राइडे इसके ऑप्शन जो है लिविंग ऑन फ्राइडे इसका भी टेक्स्ट बुक में से ही एक्सरसाइज में इसका सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा ये पेपर हमारा था ऑब्जेक्टिव जो कि 90 मार्क्स का है बाकी सब्जेक्टिव जो होगा वो 56 मार्क्स का होगा एक क्वेश्चन और ये लेटर्स रहे थे इसका पेज नंबर 18 पीडीपी ग्रामर से ही आपको मिलेंगे 15 लेटर इसी बुक से प्रिपेयर करने हैं किसी दूसरी की बुक या हेल्पिंग बुक वाला गाइड से आपको प्रिपेयर नहीं करना ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10
फर्स्ट चैप्टर द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, नोहे इंसानी का निजात दहिंदा, सेवियर निजात दिलाने वाला, मैनकाइंड नोहे इंसानी बनी हुई इंसान। अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनप्रैगल्ड चार्म एंड ब्यूटी, अरब की सरजमीन दिलकशी और खूबसूरती के लिहाज से बेमिसाल सरजमीन है। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डस्टिंग रेज ऑफ ट्रॉपिकल सन, अपने गुमनाम सहराई रास्तों, रेत के टीलों और सूरज की इंतहाई तंदोतेज किरणों और रोशनी के साथ। इट्स स्टार स्काई हैज एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स एंड ट्रैवलर्स, इसके सितारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफरों के तखय्युल को जोश दिलाया है। इट वॉज इन दिस टाइम, ये वही सरजमीन थी दैट जहां द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में, विच इज अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी, जो कि तकरीबन बहिरा अरब से 50 मील के फासले पर है। बॉक्स क्वेश्चन, वेयर इज मक्का सिचुएटेड, मक्का कहाँ वाक़या है। मक्का इज सिचुएटेड इन सऊदी अरेबिया, विच इज अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी, मक्का सऊदी अरब में वाक़या है, जो कि बहिरा अरब से तकरीबन 50 मील के फासले पर है। अब इसका पैटर्न कि हमने इसका किस तरीके से कॉपी का काम करना है, शुरू करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 9 इंग्लिश ए टॉपिक, इट्स मीन लेसन नेम द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, वर्ड्स मीन पैराग्राफ नंबर 1, वर्ड्स एंड मीनिंग्स अनपैरेलल्ड, बेमिसाल, ट्रैकलेस गुमनाम या बेरा रास्ते, सैंड ड्यून्स रेत के टीलों, डेजर्टिंग आंखों को चुंधिया देने वाली रोशनी, इट्स मीन इंतहाई तेज रोशनी, ट्रॉपिकल इंतहाई तेज, एक्साइटेड उबहारा ने जोश दिलाया है, इमेजिनेशन तखय्युल या तसव्वुर। नेक्स्ट इसकी ट्रांसलेशन तर्जमा इसी बोर्ड में कैसे ही आगे देंगे हम। अरब की सरजमीन अपने गुमनाम सहराई रास्तों, रेत के टीलों, सूरज की इंतहाई तेज रोशनी यानी किरणों की वजह से खूबसूरती और दिलकशी की वजह से बेमिसाल सरजमीन है। इसके सितारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तखय्युल को उभारा है या जोश दिलाया है। ये वही सरजमीन थी जहां पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, मक्का के शहर में, जो कि तकरीबन बहिरा अहमर से 50 मील के फासले पर है। ये चार नंबर की ट्रांसलेशन आती है एक चैप्टर में से। नेक्स्ट इसका बॉक्स क्वेश्चन, इसका पैटर्न, इसका बॉक्स, वेयर इज मक्का सिचुएटेड, मक्का कहां वाक़या है। आंसर, मक्का इज सिचुएटेड इन सऊदी अरेबिया, व्हिच इज अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी। नेक्स्ट इसको ऐसे अंडरलाइन कर लें, डबल अंडरलाइन, ये बोर्ड का पैटर्न है। और अपने क्वेश्चन को, अपने लिखे अपने तहरीर को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए अंडरलाइन जैसे बिल्कुल ऐसे ही लगाएं आप। और इसमें 3 क्वेश्चन बोर्ड में बॉक्स वाले आते हैं और 5 एक्सरसाइज में से आते हैं। इट्स मीन कि हमने 8 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1, अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न, पहला क्वेश्चन हमारा ट्रांसलेशन का आता है, जबकि दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज का आता है। ये यूनिट 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न। और इसको लिखने का जो है तरीका क्या है, इस पैटर्न से आप लिखेंगे, इस तरीके से आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होगी, पेपर अट्रैक्टिव होगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वो स्टूडेंट्स जो बोर्ड में टॉप कर रहे हैं उस पैटर्न को अडॉप्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टॉपिक 1, टॉपिक द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ लैंड अरेबिया इज, आंसर, अरेबिया इज अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी, विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डस्टिंग रेज ऑफ अ ट्रॉपिकल सन। नेक्स्ट सो क्रॉस कर लें, टू टाइम्स का लेंथ कर लें, हम कटा मार्कर यूज करें ताकि एक दफा जब मार्जिन ड्रा करेंगे, डबल मार्जिन आपका यहाँ पे लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर की हम सेंटर में देनी है। व्हाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरबिक? आंसर, सिंस इट इज अ लैंग्वेज ऑफ एलोक्वेंस, अल्लाह अलमाइटी सेंट इट इन अरबिक। क्वेश्चन नंबर थ्री, फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस? आंसर, दे वर फेमस फॉर देयर रिमार्केबल मेमोरी एंड एबिलिटी ऑफ एलोक्वेंस। क्वेश्चन नंबर फोर, What was the condition of mankind before the Holy Prophet sallallahu alaihi wa sallam or peace be upon him? Answer, mankind stood on the verge of chaos before the Holy Prophet sallallahu alaihi wa sallam or peace be upon him. The civilization which had taken 4000 years to grow had started crumbling. Question number 5. Where did the Holy Prophet, peace be upon him, stay in the cave of Hira? Answer, the Holy Prophet, peace be upon him, stayed in the cave of Hira for meditation and he spent days and weeks in remembrance of Allah Almighty. Board me. Question number 4. Sentences. What sentences question are you board going to be? Unit number 2 ke main aapko jo hai na ye what sentences aaj ka topic hai hamara topic patriotism its mean hubul batni. Question number 4. Use the following words in sentences. Niche diye gaye alfaz ko apne jumlon mein tehreer kare. ऐसे हैडिंग दें, वर्ड्स अंडरलाइन करें, सेंटेंसेस को अंडरलाइन भी ऐसे ही करें। वर्ड है हमारे पास सैक्रिफाइस। अ पेट्रियट लव्स हिज कंट्री एंड इज विलिंग टू सैक्रिफाइस व्हेन द नीड अराइजेस। नंबर सेकंड वर्ड, कमेंडेबल, काबिले तारीफ। पेट्रियटिज्म इज अ कमेंडेबल क्वालिटी। थर्ड वर्ड है मदरलैंड, आई लव माई मदरलैंड। नेक्स्ट वर्ड रिस्पॉन्सिबल, वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। नेक्स्ट वर्ड इन्वेजन, पेट्रियटिज्म मेक्स पीपल अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का है। नेक्स्ट फर्दर अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन नंबर 5 वो भी इंग्लिश ए में से ही आएगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा समरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, इंग्लिश ए का ये टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट भी 5 है। क्लास 9 में दो ही समरियां हैं डैफोडिल्स यूनिट नंबर 5 में है। यूनिट 8 के समरी दोनों में से एक समरी बोर्ड में मोस्ट आती है। तो इसका पैटर्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा इसकी स्टेटमेंट, राइट अ समरी ऑफ द गिवन टॉपिक डैफोडिल्स। अब इसको इसमें से 5/5 मार्क्स गेन करने के लिए इस तरीका को अडॉप्ट करें आप। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसकी हेडिंग इंट्रोडक्शन यानी तारुफ अंडरलाइन ऐसे ही करना है। इसके लिए इंग्लिश में दोनों साइडों पे मार्जिन लगाना जरूरी है और जब आप समरी लिखें इसके लिए ब्लैंक फुल पेज यूज करना है, ना कि हाफ पेज से स्टार्ट करना। जैसे मैंने फुल पेज इस्तेमाल किया है स्टार्ट से। इंट्रोडक्शन, द फेमस पोएम डैफोडिल्स हैज बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, अ रोमांटिक पोएम। मशहूर समरी, नगसी आबिकूल विलियम वर्ड्सवर्थ से लिखी गई है जो कि एक रोमानवी शायर है। ही इज नाउन एज अ पोएट ऑफ नेचर, वो कुदरत का शायर होने की वजह से मशहूर है। बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर इट, क्योंकि वो कुदरत से बहुत मोहब्बत करता है। मोस्ट ऑफ हिज पोएम डिस्क्राइब नेचर एंड इट्स ब्यूटी, इनकी बहुत सी नज़में कुदरत और खूबसूरती को जाहिर करती हैं। ये नेक्स्ट पे कोटेशन है, कोटेशन आपने ऐसे ही लिखनी है, अंडरलाइन इसको अंडरलाइन करना है और पेज का सेंटर बना के इस क्वेश्चन को लिखना है विद मार्कर। और अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर,
सेकंड हेडिंग समरी, इसको स्टार्ट तीन वर्ड छोड़कर स्टार्ट करें, एक से स्टार्ट किया है, सेम पैटर्न आपके ऐसे ही होना चाहिए। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स एन एक्सपीरियंस ऑफ एंजॉयमेंट एट द साइट ऑफ ब्यूटीफुल डैफोडिल्स। इस नजर में शायद एक खूबसूरत नरगिसी आपके फूलों के खुशगवार मंजर को बयान करता है, आपके तजुर्बे को बयान करता है। वंस He was walking in the countryside. एक दफा वो एक दही इलाके से गुजर रहा था। When he came across a large number of daffodils, जबकि उसका सामना एक बड़ी तादाद में नरगिसी आबी फूलों के साथ हुआ, growing जो कि उगे हुए थे, along the bank of a lake, झील के किनारे के साथ, the flowers were moving and dancing in the cool breeze. ये फूल ठंडी खुशगवार हवा में रक्स कर रहे थे और झूम रहे थे। This sight delighted the poet. इस मंजर ने शायर को खुश कर दिया। And he looked at the flowers for a long time. और वो काफी देर तक इन फूलों को देखता रहा। Next question number 2 is true question आ गई है, उसको भी as it is ही लिखेंगे, पेज का सेंटर बना के। Look deep into the nature, then you can understand everything better. नेक्स्ट पैराग्राफ, ये पैराग्राफ न्यू नहीं है, अभी कंटिन्यू है। दिस साइट लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन, इस मंजर ने एक कभी ना खत्म होने वाला तासुर छोड़ा ऑन हिज मेमोरी, शायर की याददाश्त पर। एज अ रिजल्ट नतीजतन, व्हेनेवर ही इज अलोन, जब कभी वो तन्हा होता है, एंड इन द थिंकिंग सैड मूड, या वो उदास मूड में होता है, द सेम साइट कम्स इनटू हिज इमेजिनेशन, तो वही नज़ारा मंजर उसके तसव्वुर में आता है। एंड फिल्स हिज हार्ट विद प्लेजर, और इसका दिल खुशी से झूम उठता है। दिस एक्सपीरियंस हैज बिकम अ परमानेंट सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर द पोएट, ये तजर्बा शायर के लिए एक मुस्तकिल खुशी का जरिया बनता है। नेक्स्ट कोटेशन, इन एवरी वॉक विद नेचर वन कैन रिसीव मोर देन ही सीक्स। नेक्स्ट सम अप इट्स मीन, इसका जो निचोड़ है खुलासा है पे हेडिंग 3rd वाली। In this poem, the poet has beautifully described nature and its beauty. इस नज़म में शायर ने खूबसूरती के साथ फितरत और उसकी कुदरत उसकी खूबसूरती को बयान किया है। Once he saw many flowers, एक दफ़ा उसने बहुत से फूल देखे, then these flowers भी यही फूल become a source of permanent pleasure for him, उसके लिए मुस्तकिल खुशी का जरिया बनते हैं। लास्ट इसकी कोटेशन, वन टच ऑफ नेचर मेक्स द होल वर्ल्ड अ किंग, एंड पे डबल मार्जिन इसको ड्रा करते हैं, यानी कि यहाँ का क्वेश्चन हमारा क्लोज हो गया। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोर्ड पेपर के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आता है लेटर, जबकि इंग्लिश बी का ये पहला क्वेश्चन है बोर्ड में, लेटर स्टार्ट होता है पहला क्वेश्चन। टोटल लेटर्स हमारे पास बुक में 15 है और 15 में से कोई एक लेटर पेपर में आता है। लेटर के साथ हमारे पास चॉइस होती है डायलॉग की या स्टोरी की। डायलॉग स्टोरी को इग्नोर करते हैं, लेटर की तरफ आए। 15 लेटर्स को प्रॉपर तरीके से किया हो तो हम इसमें 8x8 मार्क्स विन कर सकते हैं ईजीली। इसमें पंक्चुएशन साइज और लेटर का पैटर्न का मरहूजे खाते रखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर लिखने के लिए हमारे पास फुल ब्लैंक पेज होना चाहिए, दोनों साइडों पे मार्जिन ड्रा करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पेपर के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 6 ही होगा ये। इसके पास स्टेटमेंट लिखे विद मार्कर, राइट अ लेटर टू योर मदर हु इज वरीड अबाउट योर हेल्थ। नेक्स्ट यहाँ पे कोई लाइन नहीं छोड़नी, बिल्कुल मार्जिन के करीब से मार्जिन को टच नहीं करना। एग्जामिनेशन हॉल कोमा सिटी, सिटी के बाद कुछ नहीं, ए डॉट बी डॉट सी डॉट। नेक्स्ट जिस मंथ में आप लेटर लिखते हैं पेपर में उसी मंथ को मेंशन करें, जैसा कि आज ये मंथ मार्च का है, मार्च 29 कोमा 2020 फुल स्टॉप, यहाँ पे कोमा बुक करना है। नेक्स्ट लाइन नंबर 4 डियर मदर, मदर के बाद भी कोमा। अब इसके बाद ये तीन लेटर स्पेशल आर ई एच, बिल्कुल एच के नीचे से स्टार्ट करेंगे न्यू पैराग्राफ। आई रिसीव योर लेटर यस्टरडे, आई एम ग्लैड टू नो दैट यू आर फाइन, आई वाज रनिंग अ फीवर ड्यू टू बैड थ्रॉट बट इट वाज अ टेंपरेरी एलिमेंट।
आई हैव रिकवर्ड नाउ। यहाँ पे पैराग्राफ ए कंप्लीट हो चुका है, इस सेट में तो दो पैराग्राफ हैं। जो सेकंड पैराग्राफ होगा वो इसी आई ई सी से यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारे पास पेज यहाँ पे काम खत्म हो गया है। नेक्स्ट पेज में हम आएंगे, उतनी ही स्पेस मैंने छोड़ी है यहाँ पे। यू नीड नॉट वरी अबाउट माई हेल्थ, आई एम परफेक्टली ऑलराइट, आई एम टेकिंग गुड केयर ऑफ माई डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। I hope that after these assurances, you will stop worrying about me. इसके बाद फिर से ये क्लोजिंग लाइन है, और ये भी बिल्कुल, ये थर्ड पैराग्राफ भी है, ये भी ऐसे स्टार्ट होगा बिल्कुल इसकी सीज से। ये थर्ड पैराग्राफ, please pay my best regards to all at home. Full stop. Next, जो क्लोजिंग है हमारी, yours affectionately. Affectionately के बाद कोमा, यानी आपका प्यारा। यहाँ ये भी सकते हैं योर्स लविंग सन एक्स वाई जी। एक्स के बाद डॉट है, वाई के बाद बी डॉट, और जी के बाद बी डॉट। देन नीचे क्लोजिंग लाइन लगा देंगे, डबल मार्जिन ड्रा कर दें, और एक बार लेटर क्लोज, बस हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश बी का क्वेश्चन नंबर टू, जो कि है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जबकि पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है ये। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्टूडेंट्स, आपके पास ये बुक होनी चाहिए, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। इस बुक का रोल बहुत ज़्यादा है। पेज नंबर 32, यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट होते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ टोटल हमारे पास हैं 25। इसकी डिवीजन यूँ है, फर्स्ट वाला जो 10 है पेज नंबर 32 से स्टार्ट होंगे। पहले 10 सॉल्व हैं, इनके अनकिल जवाब साथ दिए गए हैं, जबकि इसके आगे 15 अनसॉल्व हैं। उनके जवाब स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज बुक करनी है, उनके जवाब आप लोगों ने खुद लिखने होते हैं। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, इसकी स्टेटमेंट पेपर में यूँ आती है, रीड द मैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और जो नीचे दिए गए सवाल उनके जवाब तहरीर करें। ये हमारे पास पैसेज है वर्ड है वुल्फ, और इसकी लास्ट लाइन मैंने यूज की है फाइंड आउट द थीफ। इस पूरे पैराग्राफ को मैंने नहीं लिखा, ये पैराग्राफ आपको पेज नंबर 32 पे अवेलेबल मिल जाएगा। लाइक दिस, ये पैराग्राफ है। नीचे पेपर में भी सेम एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, और इनके जवाब ये पैराग्राफ है, और नीचे इनके क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन है Why did the wolf wander about? इनके जवाब हमें इस पैराग्राफ से सर्च आउट तलाश करने होते हैं। और ये 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, Why did the wolf wander about? इसका जवाब यू है, He wandered here and there in search of food. ये जवाब मैंने पैराग्राफ से निकाले हैं, ना कि मैंने जवाब जो नीचे दिए गए हैं सॉल्व उसको टच नहीं किया। पैराग्राफ से इसीलिए इनके जवाब आपको मिल सकते हैं। नंबर टू, Did he find out the thief? क्या उसने चोर को तलाश कर लिया? No, he did not find out the thief. नहीं, वो चोर को तलाश ना कर सका, उसे चोर ना मिला। Next question, Why was the wolf helpless? भेड़िया बेबस क्यों था? The wolf was helpless as the sheep were guarded by a hound. भेड़िया बेबस हो गया क्योंकि भेड़ों की रखवाली एक शिकारी कुत्ता कर रहा था। Question 4, How did he get into the flock? वो भेड़ों के रेवड़ में कैसे जा घुसा, कैसे दाखिल हुआ? He hid himself in the skin of a sheep. उसने अपने आप को भेड़ की खाल में छुपा लिया। And safely और बाहिफाजत went into the flock. वो रेवड़ में जा घुसा। Last question, Why was the shepherd worried? गडरिया बेबस क्यों था? गडरिया जो चरवाहा है पेड़ों को चरवाने चराने वाला। The shepherd was worried. गडरिया परेशान हुआ as the number of sheep began to fall every day. क्योंकि हर रोज भेड़ों की तादाद कम होना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट इसको यू क्लोजिंग कर दें। मैं बार बार आपको इस चीज़ पे फोकस करता हूँ कि पैटर्न को आपने मरबूज खातर लाजमी रखना है। इस पैटर्न से लिखेंगे तो इंशाल्लाह आप इसमें से भी 10/10 इजीली मार्क्स मिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स,
इंग्लिश बी का क्वेश्चन नंबर 8 जो बोर्ड के पेपर में हमें आता है वो टेंसेस हैं पीडीपी ग्रामर से ही। यही बुक जो हमारे पास मौजूद है इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन, इसका पेज नंबर 69 to 137। यहाँ पे मिलते हैं हमें टेंसेस एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज। ये तो एक प्रैक्टिस से ग्रामर जो है समझ में आएगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू पेपर बोर्ड के मुताबिक जो क्वेश्चन है वो कैसे आएगा, इसमें दो ऑप्शन होगी ए एंड बी, दोनों अलग अलग क्वेश्चन करने होंगे। पांच पांच नंबर के पहला क्वेश्चन है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आपको यहाँ पे 8 उर्दू के सेंटेंस दिए जाएंगे जिनमें से 5 को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है 500 रुपए, सूरज हमेशा मशरिक से निकलता है, द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट, नेक्स्ट है लाहौर में बारिश नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग इन लाहौर, नेक्स्ट क्या डॉक्टर ने मरीज को टीका लगाया, ये पास इंडिकेटिव का है इंटरोगेटिव, डिड द डॉक्टर इंजेक्ट द पेशेंट, एंड पे क्वेश्चन मार्क इसमें लाजमी लिखेंगे। नेक्स्ट बच्चे सूखे पत्ते इकट्ठे नहीं कर रहे थे, द चिल्ड्रन वर नॉट कलेक्टिंग ड्राई लीव्स, हिना दिसंबर से नया नावल लिख रही होगी, हिना विल हैव बीन राइटिंग अ न्यू नावल सिंस दिसंबर। ये था हमारा पार्ट ए, ये इसकी क्लोजिंग लाइन लगा दें। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, चेंज ऑफ वॉइस, हमारे पास यहाँ पे पेपर में ये लास्ट पे बी ऑप्शन में 5 ही सेंटेंसेस आते हैं, कुछ एक्टिव वॉइस होते हैं उनको पैसिव में चेंज करना होता है, कुछ होते हैं पैसिव उनको एक्टिव वॉइस में चेंज करना होता है। ये हमें मिलेंगे इसी बुक से पेज नंबर 169 पे, 33 सेंटेंसेस हैं, 3 इसमें फर्स्ट में एग्जांपल आती है, 10 सॉल्व है, 20 अनसॉल्व है। अगर स्टूडेंट ये 33 सेंटेंसेस को प्रिपेयर कर लें तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा रेडी हो जाता है। इसी एग्जांपल द मदर लव्स द चिल्ड्रन, ये फिगर एक्टिव वाइज है, इसको पैसिव में चेंज करेंगे, द चिल्ड्रन आर लव्ड बाय द मदर। नंबर 2 शी गेव मी 5 फिल्म्स, ये भी एक्टिव वाइज है पास्ट इंडेफिनिट का, आई वाज गिवन 5 फिल्म्स बाय हर। नंबर 3 दे हैड गेन नथिंग, ये पास्ट परफेक्ट है, नथिंग हैड बीन गेन बाय देम। नेक्स्ट है सेंटेंस हमारे पास इंपेरेटिव जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, लास्ट सेंटेंस एन ओल्ड मैन वाज रन ओवर बाय अ कार, ये हमारे पास पैसिव वॉइस है, अब इसको चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में, अ कार रन ओवर एन ओल्ड मैन। ओके।